Hello dear CMA Foundation students, welcome back to Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal and most awaited video आप लोगों को आपके exams form fill करने हैं. Your exam is in the month of July. July 8th को आपका paper है और उसके लिए last date to fill the examination form is 8th of May. आपको आपका exam form 8th May से पहले भरना है. This is a video step by step. We are going to see कि आपको exam form कैसे fill करना है. सिंस एग्जाम फॉर्म इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म, यहाँ पे मिस्टेक्स होना बहुत आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, मैटर ऑफ सिक्स मंथ्स. सो आपको फॉर्म केयरफुली फिल करना है. वीडियो को पूरा एंड तक देखो, छोटी छोटी जो चीज़ें इसमें आती है नोट डाउन करके रखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और या तो आप फिल करते करते साइमल्टेनियसली इस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ आई एम ऑन टू योर वेबसाइट. हम CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर है. आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेक्शन में, जो मैंने ऑलरेडी प्रेस करके रखा है. उधर आपको लेफ्ट साइड में एक टॉगल दिखेगा, ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म. तो इस तरह से एक स्क्रीन खुलेगी. यहाँ पे प्रोसीजर भी दिया हुआ है. जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रेडी रखना है. यहाँ देखो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसीजर, पुट करंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ये लगेगा आपको. उसके बाद आपको आपके डिटेल्स फिल करने हैं, सबमिट बटन प्रेस करना है. आपको आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर 40 KB से कम होना चाहिए, परफेक्टली क्रॉप होना चाहिए, इमेज क्लियर होना चाहिए. आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है. आई होप यू विल बी केयरफुल अबाउट दैट. और आपको पेमेंट मोड चूज़ करना है आपका. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो इंस्टीट्यूट ने खुद रेड में दिए हुए. प्लीज़ फिल योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर केयरफुली, दैट विल बी ट्रीटेड फॉर ऑल फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस. आप बात समझिए, आपको एक पास की आती है बेटा. आप CMA फाउंडेशन एग्जाम जो देने वाले हो, वो ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो, और आपकी पास की आती है. बिना पास की क्या आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे. इसीलिए आप जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे यूज कर रहे हो, जो भी मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, मेक श्योर इट इज वर्किंग एंड मेक श्योर इट इज विथ यू. ये आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि यही आपका अब लास्ट तक चलेगा एग्जामिनेशन देने तक. और हर टाइम कोई भी करस्पॉन्डेंस रहेगा तो इसी नंबर पर आएगा. एग्जाम सेंटर अभी यहाँ पर लिखा है, आप केयरफुली सिलेक्ट करें. बट एनीवेज आपका एग्जाम ऑनलाइन है CMA फाउंडेशन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अब हम आएंगे यहाँ पे, मैं आपको फिल करते हुए और डिटेल्स देते जाऊँगी. एग्जाम एप्लीकेशन के नीचे आपको ऐसे ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप उस पर फिल करेंगे, आप आपका कोर्स सिलेक्ट करेंगे विच इज़ फाउंडेशन. ये वीडियो CMA फाउंडेशन एग्जाम एप्लीकेशन के लिए है. क्लिक योर प्रेस करोगे तो यहाँ पे टर्म लिख के आया है. सिंस यू आर गिविंग एग्जाम, मैं जो फॉर्म बना रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ जून एग्जाम के लिए, जो बेसिकली नाउ इज इन जुलाई. सो टर्म जून 2022 दिख रहा है. पेमेंट मोड दिख रहा है बेटा. आपका एग्जाम ऑनलाइन भरने का 1200 फीस है, 1200 रुपीज़ इज द फी. लास्ट डेट इज 8th of May. 8th of May आपका लास्ट है विदाउट लेट फी. विद लेट फी अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है. और आप नीचे जाएंगे और क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे. एक ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का भी फोटो लेके रखिए इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी. आपने कहाँ मेल करना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है. नाउ वी प्रेस द एक्सेप्ट नंबर, एक्सेप्ट बटन. आपको दिख रहा है करंट रजिस्ट्रेशन नंबर. आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट करेंगे. आई ऑल्सो पुट ओवर योर. वंस यू पुट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक योर करना है. क्लिक योर करने के बाद आपके यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे. रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है. आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारे डिटेल्स का एक 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 कॉलम दिख रहा है, जो आपको आराम से केयरफुली फिल करना है. और एक चीज़, अगर आप वहाँ पे जो क्लिक ईयर टॉगल है ना, उस पर क्लिक ईयर कर देंगे ना, तो ऑलरेडी जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. मैंने अभी यहाँ पे क्लिक ईयर किया, तो जो भी नाम, सरनेम, रजिस्टर्ड फुल नेम, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड ओवर योर. जेंडर भी आ गया है यहाँ पे. आपको आपके फादर्स नेम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा. फादर्स नेम फिल करने के बाद एड्रेस ऑलरेडी आ जाता है. ये बेस्ट पार्ट है कि हमको कुछ फिल नहीं करना है. आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम जितनी भी चीज़ें भरी थी वो सब इसके अंदर आ गई है. अब कुछ कुछ चीज़ें जो फिल्ड अप नहीं है वो आप एक एक करके पढ़ेंगे और फिल करेंगे. फिजिकली चैलेंज फॉर एग्जांपल, इंग्लिश, आप अगर पेपर ऑब्वियसली इंग्लिश में दे रहे हो इंग्लिश टिक करेंगे. एग्जाम सिटी, आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हो वहाँ पे आप आपके सिटी का नेम डाल देंगे. एग्जाम सेंटर,
फ्रेंकली स्पीकिंग सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो एज सच एग्जाम सेंटर को लेके आप परेशान मत होइए। फाउंडेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, मोड ऑफ कोचिंग ये सब ऑलरेडी आ जाता है। आपको यहाँ पे करना है बेटा सबमिट का बटन प्रेस, एक बार बस चेक कर लेना हमने सारी डिटेल सही डाली है क्या। आपका नाम दिखेगा, मिडिल नेम, सरनेम, ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड था जो यहाँ पे आ गया है। आपका एड्रेस चेक कर लीजिए एक बार, मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है वो चेक करेंगे। आपको आपके मोबाइल नंबर मेल आईडी सही से रखने हैं, उसी पे आपके पास की आएंगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अब हम यहाँ पे कर देंगे सबमिट। सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज अटैच फोटो एंड सिग्नेचर एंड पेमेंट मेथड। राइट साइड में दिख रहा है टॉगल है यहाँ पे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, हम यहाँ पे आएंगे। आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इस जगह पे आप आपका फ़ोटो अपलोड करोगे, आपके साइन का फ़ोटो अपलोड करोगे। यहाँ पे बोला हुआ है आपका जो साइज़ होना चाहिए इमेज का, दैट शुड नॉट एक्सीड 40 KB। ध्यान से पढ़ेंगे, इट शुड नॉट एक्सीड 40 KB। एंड उसका फॉर्मेट JPG, JPEG और .BMP, ये तीन ही फॉर्मेट चलेंगे। कई बार ऐसे हो रहा है कि फोटोग्राफ अपलोड हो जा रहा है, साइन अपलोड नहीं हो रहा है, आपको फिर थोड़ी देर में अगर ये दोनों कंडीशंस आपके चल रहे फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है, तो फिर से आपको थोड़ी देर में ट्राई करना पड़ेगा। इतना होने के बाद आप जाएंगे पेमेंट पे, अभी मैंने अटैच नहीं किया इसीलिए पेमेंट पे आप आपके पेमेंट डिटेल्स डाल देंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू फिल योर CMA फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म। पेमेंट करने के बाद उधर लिख के ऐसे आएगा कि योर फॉर्म हैज, शायद से लिख के आएगा कि द मनी इज़ नॉट बीन डेबिटेड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक बार अब आपके पासबुक ज़रूर चेक करिए। ऐसे कई बार हो जाता है कि यहाँ पे लोड होने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, पर आपका पेमेंट आपके मोबाइल से कट जाता है, बैंक से कट जाता है, तो एक बार आप वो चेक करेंगे वापस से ट्राई करने से पहले। सो वंस द पेमेंट इज़ डन, वहाँ पे लिख के आने के लिए, अपलोड होने के लिए टाइम लगता है। आपके बैंक चेक करेंगे, अगर 1200 का डेबिट हुआ है मतलब आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, नहीं हुआ है तो फिर आप वापस से ट्राई करेंगे। दिस इज़ हाउ यू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म। एंड डोंट फर्गेट, वी आर डूइंग CMA फाउंडेशन का सक्सेस बैच। मेरा आपका सक्सेस बैच चल रहा है फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एज ऑफ नाउ। अकाउंट्स होता है, मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक्स होता है और मैथ्स होता है। इको इट एट 1 PM एज ऑफ नाउ, हमारे 2 लेक्चर चल रहे, इको 1 PM पे होता है। मैथ्स इज एट 6 PM। डोंट मिस द सक्सेस बैच, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए काफ़ी वीडियोज आई एम अपलोडिंग जो आपके काम आएंगे, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर अभी तक नहीं किया है तो। टू लाइक द वीडियो इफ इट हेल्प एंड शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर स्ट्रगलिंग टू अपलोड, या जिनको डर लग रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आप ये वीडियो को जरूर जरूर शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, हेल्प हुई है तो कमेंट करें और सक्सेस बैच को मिस मत करो। अभी ये 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट ये भी चलता है, 10 बजे से सक्सेस बैच चालू होती है हमारी। अकाउंट्स का लेक्चर होता है 10 बजे, मैनेजमेंट होता है 11:30 को, फिर इको होता है 1, फिर मैथ्स होता है 6, और लॉ के बारे में बहुत जल्दी हम बताएंगे। So stay tuned with our channel. Bye-bye everyone. Keep studying.